पर तो मैंडेट लाती हुई नहीं दिख रही है, बहुमत हासिल करते हुए फिलहाल तो नहीं दिख रही है। हो सकता है आगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ रुझान है, बहुत सारी सीटों पर नतीजे आए नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अपने मुद्दे पर बीजेपी सरकार बना लेगी? यही तो संदेह पैदा होता है मैडम जी। चुनाव उसके बाद भी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर लेकर चलती है। दूसरी, अरे मुझे सुन लेने दीजिए, मैं आपके तकलीफ को समझ सकता हूँ, और आपकी तकलीफ की जानकारी 2014 में ही जनता को हो गई थी। जनता ने आपकी सरकार बदली तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की जनता ने आशीर्वाद बरसाया। अभी हमारी बहन ने पूछा सहयोगियों का, अब सहयोगियों का देखिए, जब 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, उस समय हमें सहयोगियों की आवश्यकता नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सड़कों पर बैठाने का कार्य करती है। और आज की जीत में, 2019 की जीत में हमने कहा कि सहयोगियों के नाते, सबके नाते भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है। आप बताइए कि पूरे देश में सर्वाधिक समय तक विपक्ष में बैठने का कार्य कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारा नारा था विपक्ष में हार में जा रही है, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही, और जब भी मौका मिला हमने देश के विकास के लिए कार्य किया, राष्ट्रवाद के लिए कार्य। आज इसी नाते देश का इतिहास बदल रहा है, तीसरी बार किसी की सरकार बन रही है। 10 साल आप लेकिन तस्वीर जो थी इसकी उम्मीद कतई बीजेपी को नहीं रही होगी, क्योंकि दो बड़े दलों का समर्थन अगर जरा भी दाएं बाएं होता है तो बीजेपी के पास एकमुश्त अभी मैंडेट नहीं है। ऐसे में मैजिकल फिगर्स मिलने की क्या जरा बहुत उम्मीद बची है, या वो भी उम्मीद खत्म हो गई अब? देखिए 40 सीटें अभी ऐसी हैं जहां पे 1000, 2000 और 5000 की मार्जिन चल रहा है, और निश्चित तौर पे जहां 16 लाख 20 लाख की मतगणना होनी है तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं कि 500 और 1000 वोट कभी भी इधर उधर हो सकते हैं। फिर भी मैं सर नवाकर कहता हूं कि जनता जनार्दन होती हमारे लिए, ठीक है, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन का फैसला स्वीकार करना होगा। अवनिजेश अवस्थी जी, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े भी रहे, हमने भी बहुत सारा कवर किया है, तो अब जो 4 बज चुके हैं, हमने हमेशा देखा है अभी तक के जो रुझान होते हैं नतीजों में बहुत ज्यादा उनमें फर्क देखते नहीं है। ऐसे में क्योंकि अगर अपने बूते बीजेपी मैजिकल फिगर हासिल नहीं कर पाई तो बहुत मुश्किल होगा सहयोगियों को अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि सहयोगी को इंडी गठबंधन भी अपना सहयोगी बनाने के लिए रणनीति बनाने में लग चुका है। ऐसे में बहुत चैलेंजिंग होगा, वो स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि जो एनडीए की इस समय स्थिति है उसमें टीडीपी अभी जुड़ा है, जेडीयू आना और जाना दोनों लगा रहा है, ये दो ही लोग हैं जिनकी इतनी सीट्स हैं। तो एनडीए दोनों ने कहा है, जेडीयू का भी वक्तव्य आ गया और टीडीपी का वक्तव्य भी आ गया है, दोनों ने अपना समर्थन पत्र भी दे दिया है, तो उसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक कोलिशन की गवर्नमेंट में जो जो दिक्कतें हो सकती थी वो दिक्कतें तो आगे सरकार चलाने में आ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, गौरव चर्चा जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं इसको, अब आपको क्या लगता है, दावे आप हमेशा ये करते रहे कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, उस रास्ते पर जाते हुए क्या आप देख पा रहे हैं इंडी गठबंधन को? हमने पहले भी कहा था देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की हुई, मगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही। गौरव साहब अभी वेट करिए, अभी वेट करिए, अभी मेरे भाजपा के साथी ने कहा है कि 40 सीटें ऐसी जिसमें 1, 2, 4, 5 हजार का मार्जिन है, तो अब 231 में 40 ऐड कर लीजिए, 271 वो 40 एक दो आ जाएंगे, आपको लग रहा है सिर्फ मार्जिन का इंतजार है। अभी वेट करिए, अभी आप वेट करिए, हमारे पास सारे हथकंडे हैं, हम सरकार बनाएंगे जिस उम्मीद से इंडिया गठबंधन के हक में लोगों ने वोटिंग करी है, जिस उम्मीद से इंडिया गठबंधन के हक में लोगों ने वोटिंग की है, जो धरातल पे जो हमने जनता के मुद्दे उतारे थे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, ये सारे जो हमने वादे किए थे, उस वादे को पूरा करने में हमें कहते हैं, तो क्या फिर सिर्फ मार्जिनल वोटों का इंतजार करें कि ये नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं काउंटिंग में, या फिर अभी साठगांठ की राजनीति शुरू हो गई, अंदर खाने से भी जरा खबर दीजिए, सपा वाले तो आज बहुत खुश होंगे, क्या कहीं बातचीत शुरू हो गई आप लोगों की? देखिए जो भी वो इंटरनल स्ट्रेटजीज का मैटर है, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जिस विश्वास से जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, हमें उस मैनिफेस्टो को पूरा भी तो करना है। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? चलिए मैं मान लेती हूँ, अगर एक मिनट के लिए आप सरकार बना रहे हैं तो पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया अलायंस का, वो भी पता लग जाएगा, जहाँ इतने दिन रुके हैं वो भी पता लग जाएगा, एक दो दिन और रुक जाइए। चलिए पहले ये देख लेते हैं सरकार बन रही है कि नहीं। एसएन सिंह जी आपके पास मैं आती हूँ,
बहुत तरह के सवाल उठाए गए। डीएम को फोन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप तो हमेशा से लगते ही रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बावजूद सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। मुझे लगता है आप लोगों को भी इतनी उम्मीद थी नहीं, 400 के पार आप बार बार बोल रहे थे, यहाँ तो 300 के पार भी मुश्किल लग रहा है अगर हम एनडीए की भी बात करें। क्या वजह, क्या समझ में आ रहा है, क्या कहाँ चूक रह गई? देखिए कोई भी पार्टी हो वो सिर्फ दो कार्य कर सकती है, अच्छे लक्ष्यों का निर्धारण और कर्तव्य पथ पे जो भी उसको मिला हुआ है अच्छे से कार्य करना, चुनाव के समय में प्रचार करना और 10 साल में जो आप कार्यक्रम चलाए उसको जनता के बीच में ले जाकर पहुंचाने का कार्य। ये दोनों कार्यक्रम और कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिल दिखाते हुए किया। और रही बात नतीजे की, तो नतीजा जनता तय करती है। हम स्वीकार रहे हैं कि नतीजा भारतीय जनता पार्टी नहीं, ईवीएम नहीं तय करती है, यही तो विपक्ष को बताना है। मैं तो कहूंगा कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए ये जरूरी था इस तरह का होना, ताकि ऐसे लोग जो षड्यंत्र करके भोले भाले लोगों को फंसाने का कार्य करते थे, आज भी षड्यंत्र के बहुत सारे लोग शिकार हुए हैं। चलिए, षड्यंत्र है या फिर आप कह रहे हैं कि जनता का फैसला था, जनता के जहन में क्या है? वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद है। पंकज जी, देखिए उत्तर प्रदेश से जितनी बड़ी चोट बीजेपी को लगी है, अगर 75 का जो एक आंकलन था वो मिला होता तो जीत है। और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, पांचवी बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी, ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल की अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे और देश का धन्यवाद कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। लेकिन पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपसे सवाल यही था, यूपी में माफ भी चाहूंगी आप सभी गेस्ट से भी, बीच बीच में बड़ी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है। चिराग पासवान आज तो बुलंद पर, फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। एनडीए के हर एक घटक दल, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन को मजबूती दी, जीतनराम मांझी जी ने दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी, और जिस एकजुटता के साथ हम पांचों दल एक साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी का ही परिणाम है कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में हुआ। नीतीश जी का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, लीड कर रहे हैं नीतीश जी की पार्टी बिहार में? मेरे मुख्यमंत्री जी का महत्व हर गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के सभी मेंबरों का लगभग लाख लाख का मार्जिन है, जहां पे 10-10 हजार का मार्जिन, आपका भी मार्जिन 1 लाख से ऊपर का है, क्या कहें? और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा झटका इस लिहाज से है क्योंकि जो हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, इन जगहों पर बीजेपी के लिए जो रुझान सामने आए हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज देते हुए दिखाई पड़ते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर जैसे जो लोगों से, आम लोगों से जुड़े हुए जो इश्यू थे उनको इग्नोर करने का प्रयास किया और सिर्फ 400 पार 370 पार ऐसे नारों के भरोसे ही बैठे रहे लोग। वहीं पर इंडिया अलायंस में अखिलेश जी ने, राहुल जी ने 1 लाख रुपये महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ते और 30 लाख केंद्र की नौकरियां भरने के वादे जो किए, प्लस ओबीसी कास्ट के लिए कास्ट सेंसस और आरक्षण बढ़ाने की जो बात उन्होंने कही उसको जनता ने स्वीकार किया है और उसके लिए मैंडेट दिया है। सर, आप मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे डिफर माफी चाहते हुए करूंगी और एक चीज टोकूंगी, आप सही हो सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग देखिए फील्ड पर जब जाते हैं, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन कहीं पे भी इन मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ है। काफी काम पिछले 5 साल में अमेठी में दिखा, उसके बावजूद स्मृति ईरानी वहां से बहुत पीछे चल रही है, लेकिन यूपी में जब हम फील्ड पर उतरते थे
तो समुदाय विशेष, धर्म विशेष, खास तौर पर वोटर्स जो हैं वो हमें वोट पोलिंग बूथ पर, श्वेता भी मेरे साथ गई थी, तो वो नजर आते थे। ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि इन मुद्दों को दरकिनार करते हुए, या फिर जो डर पैदा किया गया था चुनाव से उससे पहले, और लेस वोटर टर्नआउट का नुकसान हमेशा बीजेपी को होता है, ये फैक्टर्स रहे हैं मुद्दों से ज्यादा? नहीं, मैं जवाब दूं इसका? जी सर। देखिए, मुद्दा ये सारे मुद्दे थे, हो सकता है कि आपके कैमरा में वो उठ कर नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं कि मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक मुद्दा नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, जिस तरह से आपने जहर फैलाने का कोशिश किया इस निर्वाचन में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक हर जगह आपका शिकस्त हुआ इसी एक कारण से, जिस तरह से आपने नफरत फैलाया किसी एक समुदाय के खिलाफ। चाहे मणिपुर में आपने गए नहीं है, वहां पे दोनों के दोनों सीट आपका नुकसान हुआ। नागालैंड में कई सालों बाद में इस बार एक सीट में जीत हुआ। बंगाल में जिस तरह से आपने चाहा, संदेश खाली का इशू को आपने निकाला, काम किया, इसीलिए जनता ने राम राम किया। क्योंकि देखिए, अयोध्या में भी जहां पर राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश में रहा, उस जगह पर भी, फैजाबाद में भी हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा मार्जिन, इतना डिफरेंस है, वहां भी बीजेपी जीतती हुई अभी नजर तो नहीं आ रही फिलहाल। देखिए, वोट अलग चीजें हैं, और राम मंदिर को अगर नफरत से कोई जोड़ेगा तो क्यों? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। देखिए, राम मंदिर को अगर कांग्रेस के लोग नफरत से जोड़ के देख रहे हैं, तो इसी नाते जनता ने इनकी ये हालत बना दी है। अगर विकास को नफरत से ये जोड़ के देख रहे हैं,